हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और स्माइली के स्कूल जाने की तैयारी वगैरह चल रही है अभी। और स्माइली को स्कूल क्या हो गया इधर आओ, तो स्माइली के स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। स्माइली को करना है अभी नहला धुला के रेडी, ट्यूशन पढ़ के आई है अभी जस्ट। स्कूल तो जाना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है। बहुत छुट्टियां हो गई तुम्हारी गांव में, तो बस स्माइली को कर देते हैं जल्दी से रेडी। टाइम अभी लंच भी बनाना है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सो गाइज, मैं आ गई हूँ स्माइली का लंच बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने स्माइली का पिज्जा पराठा बनाया है। उसको पिज्जा मतलब पिज्जा जैसा पराठा पसंद है, इसके अंदर ना मेयोनीज चीज वगैरह लगा करके मैंने बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट। तो स्माइली को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मतलब कहती है कि ये बना दिया करो, तो ये मैंने बनाया है उसके लिए। और ये डिज़ाइन जो दिख रही है ना आपको किनारे किनारे, ये उंगली से स्माइली ने करी है। मैं जब तक उसका पैकिंग रोल निकाल रही थी लंच बॉक्स वगैरह, इतनी देर में उसने यहाँ पे पूरे डिज़ाइन बना दिए। तो फाइनली स्माइली का लंच जो है वो रेडी हो गया है। थोड़े से एप्पल रखे हैं मैंने कट करके, क्योंकि पराठा है तो आज थोड़ा सा वैसे दिया है। लेकिन ये सब्जी भी दो ना, इसको तो खा के नहीं आती है। सब्जी रोटी दो तो रोटी रोटी खा के आ जाएगी, सब्जी वैसी की वैसी ही रखी रहती है। इसलिए मैं इसको ना थोड़ा इस तरह का या तो स्टफ पराठे बना के देती हूँ कुछ ना कुछ उसमें स्टफिंग करके, लेकिन ये वो भी नहीं खाती है, बहुत नखड़े दिखाती है खाने में। उसके बाद स्माइली को किया है नहला धुला के तैयार, उसकी दो चोटी बना रही हूँ क्योंकि स्कूल में अभी जो है फर्स्ट क्लास में आ गई है, तो यहाँ मतलब सीनियर सेक्शंस में आ गई है अब ये, तो इसको स्कूल में दो चोटी अलाउड है। यहाँ पे स्माइली पूरी तरह से हो गई। स्माइली आज आपको व्लॉग में ना स्कूल यूनिफॉर्म में फर्स्ट टाइम दिखाई दी है, फर्स्ट क्लास के है ना, और स्कूल में दो चोटी मतलब करके जाना है। आज स्केटिंग का पीरियड नहीं है, स्केटिंग लेके नहीं जाना है। आज पीटी है ना? हाँ आज पीटी है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है। और पीटी भी नीचे होगी, पीटी नीचे होगी। हाँ हाँ ग्राउंड में होगी, बारिश हो रही है लेकिन आज पता नहीं किधर होगी। सैंडल पहन ली ना? तो बाहर भी बारिश हो रही है और बाहर हो रही है आज बारिश, सुबह से बारिश हो रही है आज सुबह से। अगर बारिश का मौसम है तो पकौड़े बना दूंगी लंच में। हाँ बिल्कुल, लंच में तुमने पराठा बोला ना, पराठा बना दिया ना। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। रेनकोट है बैग में? चेक करने दो, रुको रुको चेक करने दो, रेनकोट है या नहीं है। रखा ही हुआ था ना, वैसे निकाला किसने? हाँ रखा हुआ है। चलो चलो इधर आओ, यहाँ बैठो, अभी रेडी होगी ना, यहाँ बैठो अभी, अंकल को आने में टाइम है, नीचे गाड़ी आएगी तब जाना है। तो स्माइली चली स्कूल, बाय अंकल आ गए नीचे, चलो जाओ। तो फ्रेंड्स स्माइली चली गई है स्कूल और आज बहुत बारिश हो रही है बाहर, सुबह से बारिश ही होती जा रही है। कपड़े देखो ऐसे सूख रहे हैं, हैंगर पर छोटे छोटे कपड़े हैं तो सूखते नहीं है जल्दी से, तो ऐसे सुखा रहे, पंखे की हवा में सूख जाते हैं। सो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का सीन कुछ इस तरह का है। देखो बाहर हो रही है जमकर, मतलब जबरदस्त तो नहीं कहेंगे बट हाँ बारिश हो रही है। आज रेनी डे है, सुबह से रिमझिम रिमझिम रिमझिम, कभी तेज हो जाती है कभी स्लो हो जाती है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, देखो बारिश हो रही है झमाझम। स्माइली नीचे वेट कर रही है गाड़ी वाले अंकल का, तो खड़ी है नीचे और बारिश में देखो बाहर बहुत दूर दूर तक का नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स बाहर हो रही है अभी बहुत तेज बारिश, मतलब तेज तो नहीं हो रही, नॉर्मल हो रही है, लेकिन सुबह से हो रही है आज बारिश, तो काफ़ी ठंडा सा भी हो गया है मौसम आज, इसीलिए मैंने आज साड़ी पहन ली, क्योंकि मौसम एकदम ठीक है, ठंडा है, वरना थोड़ा गर्म रहता है ना तो इच्छा नहीं होती थी साड़ी वाड़ी की। तो अभी स्माइली नीचे खड़ी है, उसके गाड़ी वाले अंकल का वेट कर रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए और स्माइली स्कूल गई, उसके बाद फिर जो है दाल बनाई, चावल बनाए। स्माइली जो है दलिया खा के गई थी, अब आएगी स्कूल से, अभी लंच लेके गई थी पराठा, तो दाल चावल बनाए हैं और वही मतलब रोटी भी है, तो मैं चावल थोड़ा कम खाती हूँ उस टाइम और मोस्टली दाल खाती हूँ ज़्यादातर। तो बस वही खाना खाने जा रही हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। स्माइली के जाने के बाद काफ़ी कामों में बिजी हो गई थी मैं, झाड़ू वगैरह लगाई क्योंकि पूरा फैल जाता है, और उसके बाद फिर इसको नहलाना था आर्यन को, इसको भी नहलाया। अब फ्री होके अब खाना खा रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गाइस गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो गया है, शाम के 6 बज चुके हैं, 6 क्या 6:15 हो गए हैं, और जोर जोर से बोल रही हूँ मैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ से मैं देख रही हूँ स्माइली की गाड़ी, स्माइली आने वाली है स्कूल से, तो वही देख रही हूँ मैं यहाँ से खड़े होके, और मैं भी दिन में थोड़ा सा आराम कर रही थी
तो एक दो झपकी लगा ली मैंने, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, मैं सोकर ही थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ अभी। तो बस स्माइली का वेट कर रही हूँ आने ही वाली, क्योंकि बारिश की वजह से ना ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो रही है वो आने में। तो बस आती ही होगी स्माइली, और देखो कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है ना, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा, बहुत तेज हो रही है। बेटा रेनकोट किधर है? रेनकोट क्यों नहीं पहना? रेनकोट से क्या पता? अरे बारिश हो रही है ना, भीगी तो नहीं रही है? खुद भीग रही थी, फटा हुआ था। क्या फटा था? रेनकोट। किसने बोला? फटा तो मैं देख ही नहीं रही थी। क्या नहीं फटा है बेटा? नया तो रेनकोट है तुम्हारा। ओ बिल्कुल 3 साल पुराना हो गया, बहुत प्यार है। लास्ट ईयर लिया था अभी, पहले क्यों नहीं पहन के आना चाहिए था ना रेनकोट? कहाँ से फटा हुआ दिखाओ जरा, चलो अंदर, सैंडल हाथ में लो, चलो अंदर। किधर फटा है दिखाओ, निकाला भी नहीं है रेनकोट, फटा हुआ बता रही है, इसमें ही रखा हुआ है ना, गीला भी नहीं है बिल्कुल भी। झूठ बोलती है लड़की। किधर फटा है रेनकोट है? एकदम सही है, बताओ जरा किधर फटा है। तो स्माइली का झूठ पकड़ा गया, उसके बाद स्माइली ने एक और झूठ बोला, बोल रही है मेरा रेनकोट छोटा हो गया, मुझे आता नहीं है। तो फिर मैंने उसको पहना के भी देखा, मैंने कहा बताओ कहाँ छोटा हुआ है, तो इसने बैग में से निकाला ही नहीं था और झूठ बोली थी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे रात के खाने की तैयारी हो रही है, आज मैं डिनर में बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है, हींग और मेथी का जो स्टार्टिंग में तड़का लगाती हूँ मैं, और उसके बाद जो बाद में फाइनल तड़का जो है बाद में लगाऊंगी, पकौड़ी वगैरह डालने के बाद, कढ़ी पत्ता, लाल मिर्च, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के। तो यहाँ पे कढ़ी में देखिए उबाल आ गया है, और उसके बाद साइड में यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बना के तैयार कर रही हूँ, बेसन भी घोल के रख लिया है। तो एक साइड में जो है कढ़ी पक रही है, एक साइड में पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ, फिर तड़का लगाऊंगी, तो फटाफट से कढ़ी भी बनके हो जाएगी तैयार। हेलो, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों ने देखा ब्लॉग, अभी मैंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी बना के और आटा गूंथ के रख दिया है, सारे काम मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस अभी खाना खाया नहीं है, खाना खाएंगे थोड़ी देर में। और आर्यन की करने जा रही हूँ मैं अभी मसाज, तो मसाज करने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं पर एंड करें, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ साड़ी चेंज, मैं पहनूंगी नाइटी, क्योंकि मैक्सिमम फिर तेल वेल लग जाता है उसको, मतलब मसाज करो तो खुद को मेरे पूरे कपड़ों में तेल लग जाता है। तो बस इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।